हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम कवर करेंगे, टुडे वी विल कवर उत्तराखंड कल्याणकारी एवं अन्य योजनाएं। जो उत्तराखंड कल्याणकारी एवं अन्य योजनाओं से आपके पास 20 इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जिनको कि आज हम क्लियर करेंगे। और ये है आपका परीक्षा वाणी अध्याय 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किस सन में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है 2011। 5 सितंबर 2011 को घोषित राज्य युवा नीति में मुख्य फोकस 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर किया गया है। इस नीति में आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर सी 50% आपका सही आंसर है, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% की गई है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों और सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर है, दिव्यांग लोगों और सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकारी सेवाओं में इनके लिए 3% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य के प्रत्येक दिव्यांग को परिचय पत्र जारी किया जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना यानी एम्बुलेंस 108 शुरू कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है, सन 2008 में 108 से शुरू किए गए थे। आपातकालीन सेवा योजना 108 आपातकालीन स्थितियों में शीघ्र चिकित्सा हेतु EMRI की पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा नाम से यह एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए महिलाओं से आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध महिलाओं से है। कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ हेतु वर्ष 2001 और दो वर्ष 2001-2 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत आवास, खाना पीना, कपड़े, स्वास्थ्य की देखभाल, आचरण संबंधी प्रशिक्षण के द्वारा कामकाजी हुनर और व्यक्तिगत का विकास आदि शामिल है। और हम चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। होपफुली अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और BNT उत्तराखंड नाम से हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर भी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। हम बहुत जल्दी उनमें उस चैनल पे वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए विकलांग जनों से, ऑप्शन बी भूतपूर्व सैनिकों से, ऑप्शन नंबर सी गर्भवती महिलाओं से, ऑप्शन नंबर डी राज्य आंदोलनकारियों से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, गर्भवती महिलाओं से। ओके, वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से संबंध है। 9 फरवरी 2004
से शुरू इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। 2004। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2006-07 में, राज्य सरकार द्वारा 2006 और 2007 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचने हेतु डोली सेवा योजना कब शुरू की गई थी? सॉरी, यहाँ पे पहुँचाने हैं। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2012 में आपका सही आंसर है। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना अप्रैल 2012 में शुरू की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं आपको। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु 108 एम्बुलेंस के सहायक सेवा के रूप में 17 अप्रैल 2012 से डोली सेवा योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन स्थानों या गांवों के लिए है जहां 108 सेवा नहीं पहुंच सकती। डोली लाने वाले 4 व्यक्तियों को सरकार द्वारा मजदूरी भी दी जाती है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू कब किया गया था? तो 2018 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना वर्ष 2018 में लागू किया गया था। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये उत्तर हमने लिया है परीक्षा वाणी से। चलिए आगे चलते। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 108 यानी आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो कमेंट हो चुका होगा, तो आपका जो सही आंसर है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर लिया था आप लोगों के साथ। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका या अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र सरकार। तो आपके पास जो सही आंसर है आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान। वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार तथा ग्रामीण आजीविका में वृद्धि आदि उद्देश्यों को लेकर राज्य सरकार व जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका के मध्य 2014 में 807 करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध हुआ है। 2022 तक 250 वन पंचायतों को जायका परियोजना से जोड़ने का लक्ष्य था। अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं आई, जब भी अपडेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी शॉर्टकट तरीके से इन एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं। तो होपफुली कि आप अभी तक जुड़े हुए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों हेतु। जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना है वो है अल्पसंख्यकों के लिए। गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 2012-13 से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना संचालित है। और हम चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन दिया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए 1,000 रुपये आपका सही आंसर है। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 800 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो तीन और अगला क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में 5% आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1,000 रुपये आपका सही आंसर है। राज्य में बीपीएल श्रेणी के परित्यक्त मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की पत्नियों व 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है, यानी कब से चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 2010 से। जीवन कौशल व वोकेशनल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से 11 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालाओं के समूह विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रायोजित यह योजना 19 नवंबर 2010 को सर्वप्रथम हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी व नैनीताल आदि चयनित जिलों में शुरू की गई। जिन जिलों में यह योजना शुरू की गई उनमें उन्हीं इन्हें उद्देश्यों हेतु पहले से संचालित किशोरी सशक्तिकरण योजना को बंद कर दिया गया। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना किस जिले में की गई है। अब राठ का नाम आ रहा है तो शायद आप लोगों के मन में कुछ तो आ रहा होगा, तो मैं भी बता दूं, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। राठ विकास अभिकरण की स्थापना पौड़ी जिले में की गई थी। पौड़ी गढ़वाल के पाबो और थैलीसैंड विकास खंडों के संपूर्ण राठ क्षेत्र में रहने वाले लोग सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हैं। इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने 2014-15 में राठ विकास अभिकरण का गठन कर अलग से बजट की व्यवस्था की है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 50%। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है, 10,000 रुपये। राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है, क्योंकि ये नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारियों को, और जो नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारी थे उनको 5,000 रुपये माह पेंशन दिया जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो मैंने तो ऊपर भी बता दिया, तो यहाँ भी बता दो, ऑप्शन नंबर बी है, और सॉरी डी है, 5,000 रुपये। राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है 5,000 रुपये। और ये था हमारा लास्ट MCQs जो कि कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए होंगे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली कि आज की क्लास में आपको कुछ समझ आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।